आयोजन किया गया है, पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। क्या कुछ कहना सुनते हैं। इस द्वितीय संस्करण के शुभारंभ कार्यक्रम में आज के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अपना मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए हम सब के बीच में उपस्थित भारत गणराज्य के महामहिम उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी केंद्रीय सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय के मंत्री माननीय श्री जीतन राम मांझी जी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी गण औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी मत्स्य विभाग के मंत्री श्री संजय निषाद जी परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री श्री ब्रजेश सिंह जी औद्योगिक विकास के राज्य मंत्री श्री जसवंत सैनी जी माननीय सांसद गौतम बुद्ध नगर डॉक्टर महेश शर्मा जी राज्यसभा के माननीय सांसद श्री सुरेंद्र नागर जी माननीय विधायक गण श्री धीरेन्द्र सिंह जी तेजपाल सिंह नागर जी आज के समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव माननीय एमएलसी श्री नरेंद्र भाटी जी और एमएसएमई विभाग के साथ ही प्रदेश के अलग अलग जनपदों से सभी 75 जनपदों से यहां पर उपस्थित सभी हमारे एग्जीबिटर्स बायर्स और इस पूरे समारोह को 5 दिवसीय इस पूरे कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए यहां पर उपस्थित सभी हमारे उपस्थित महानुभाव यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के इस उद्घाटन समारोह के अवसर पर मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश शासन और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए ये व्यक्तिगत रूप से आनंद और प्रोत्साहन का अवसर है कि इस महीने में उत्तर प्रदेश को दूसरी बार आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का मार्गदर्शन और सानिध्य प्राप्त हो रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले सैनिक स्कूल का लोकार्पण 7 सितंबर को आपके कर कमलों से गोरखपुर में संपन्न हुआ और उस भव्य समारोह के बाद फिर आपने चित्रकूट की भी यात्रा की। चित्रकूट में विभिन्न कार्यक्रमों में सहभागिता के बाद आज उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों के हमारे जो भी उद्यमी हैं उनके प्रोडक्ट का शोकेस का जो ये अवसर इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से यहां पे प्राप्त हो रहा है, इसका शुभारंभ आपके कर कमलों से हो रहा है, ये हम सबके लिए अत्यंत आह्लादित करने वाला क्षण है। इस अवसर पर मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के समारोह में उद्घाटन समारोह में भारत सरकार के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय के माननीय मंत्री
श्री जीतन राम मांझी जी का भी अभी मार्गदर्शन और संबोधन आप सबको प्राप्त हुआ है। उनकी उपस्थिति के लिए, उनके महत्वपूर्ण सुझावों के लिए और भारत सरकार के योगदान के लिए भी मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा आबादी का राज्य तो है ही, लेकिन यह एमएसएमई की सर्वाधिक यूनिट रखने वाला राज्य है। एक सर्वे के अनुसार लगभग 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के 75 जनपदों में फैला हुआ है और ये 96 लाख एमएसएमई यूनिट उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार सृजन करने वाला क्षेत्र है। 2017 के पहले यह मृत प्राय सा था, इसका अपना एक लंबा इतिहास है, कोई 500 वर्षों से, कोई 300 वर्षों से, कोई 200 वर्षों से, कहीं पे 100 वर्षों से अधिक समय से अलग अलग क्षेत्रों में ये ट्रेडिशनल प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर उस समय रोजगार सृजन के लिए उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पियों ने, कारीगरों ने इन्हें आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया था, लेकिन आजादी के बाद उचित प्रोत्साहन के अभाव में उन्हें समय पे टेक्नोलॉजी न मिलने, समय पे वह समय के अनुरूप उन्हें उस उचित प्रोत्साहन न मिलने के परिणाम स्वरूप वे लगभग बंदी के कगार पर पहुंच चुके थे। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आई, तब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए हम लोगों ने जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया, उसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में सभी 75 जनपदों का कोई यूनिक प्रोडक्ट होगा और उसके प्रोत्साहन के लिए, उसकी ब्रांडिंग के लिए, उसकी मार्केटिंग के लिए, उसके टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए, उसकी डिजाइनिंग के लिए, उसकी पैकेजिंग के लिए हम लोगों ने जिस अभियान को आगे बढ़ाया, वही आज देश के अंदर ODOP के रूप में, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में देश के अंदर, दुनिया के अंदर जाना जा रहा है। और आज इसने उत्तर प्रदेश में रोजगार सृजन के सबसे बड़े महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में ये उभरा है। मुझे याद है जब उत्तर प्रदेश देश और दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को COVID-19 से जूझ रहा था, उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के जो कारीगर, जो श्रमिक देश के अलग अलग राज्यों में कार्य कर रहे थे, उनके सामने भीषण आजीविका का संकट खड़ा हुआ था। पूरे देश की चिंता थी कि इन लोगों का क्या होगा, लेकिन मैं निश्चिंत था। मैंने कहा यूपी में इतना पोटेंशियल है, ये 40 लाख नहीं बल्कि 4 करोड़ भी आएंगे, यूपी इन सबको अपने यहां जगह देगा, क्योंकि ये यूपी के हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वे 40 लाख जो भी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश के अंदर आए थे, हम लोगों ने यूपी में एंटर करते ही उनकी स्किल मैपिंग करवाई थी, और स्किल मैपिंग कराने के साथ एक एक जनपद को हम लोगों ने पूरी स्किल मैपिंग के पूरे डाटा उपलब्ध करवाने के साथ ही उन्हें वहां पे संबंधित यूनिट में कार्य करने के लिए भी एक ऑफर उन्हें उपलब्ध करवाया। परिणाम था कहीं भी कोई अव्यवस्था नहीं फैली, बल्कि उन लोगों ने आकर के उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक बूस्ट दिया। और उत्तर प्रदेश आज, यही कारण है कि न केवल प्रधानमंत्री मोदी जी के भारत की
अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के अभियान में उत्तर प्रदेश भी 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ करके आज ग्रोथ इंजन के रूप में दिखाई दे रहा है। ये वही यूपी है जो आज से 7 वर्ष पहले देश के विकास का बैरियर माना जाता था, आज यह देश के विकास का एक ग्रोथ इंजन के रूप में जाना जा रहा है। इसमें एमएसएमई सेक्टर की एक बड़ी भूमिका है और हम लोगों को इस बारे में जरूर ध्यान में रखना होगा कि कोई भी बड़ा औद्योगिक निवेश बिना एमएसएमई बेस के आगे नहीं बढ़ सकता। और यह सौभाग्य का अवसर है कि उत्तर प्रदेश के पास देश का सबसे बड़ा एमएसएमई का बेस मौजूद है जिस पर हम कार्य कर रहे हैं। इसके लिए अनेक कार्यक्रम हम लोगों ने शासन स्तर पर भारत सरकार के साथ मिलकर के आगे बढ़ाए हैं, उसका परिणाम आज हम सबके सामने है। एमएसएमई यूनिट के लिए, जो भी यूनिट यूपी के अंदर है उससे जुड़े उद्यमी के लिए हम लोगों ने मात्र रजिस्ट्रेशन पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है और अगर किसी भी आपदा का शिकार वह यूनिट होती है तो उसे 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता हम उन्हें राज्य शासन की तरफ से उन्हें बीमा के रूप में उपलब्ध करवाते हैं। प्रदेश के अंदर फ्लैटेड फैक्ट्री का मामला हो या निजी क्षेत्र में प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क के निर्माण की कार्रवाई, ये तेजी के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना की सफलता के साथ ही आज देश के अंदर सर्वाधिक जीआई टैग यूपी के पास 75 जीआई टैग यूपी के पास मौजूद हैं, जिसके माध्यम से हम लोग यूपी के प्रत्येक प्रोडक्ट को जो उत्तर प्रदेश के अंदर था लेकिन प्रोत्साहन के भाव में दम तोड़ रहा था, आज उसे आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग सेक्टर में जो कार्य हुए हैं, जो प्रोडक्शन यूपी का है, उन सबको भी शोकेस करने का एक अवसर या इंटरनेशनल ट्रेड शो उपलब्ध करा रहा है। गत वर्ष पहला ट्रेड शो जब यहां पर संपन्न हुआ था 21 सितंबर से लेकर 25 सितंबर 2023 में, उस समय भी दुनिया ने, देश ने इसे आकर्षण का केंद्र बिंदु बनाया था। पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो के समारोह का उद्घाटन भारत गणराज्य की आदरणीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों से संपन्न हुआ था और यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इसके द्वितीय संस्करण का आज उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में जिनके कर कमलों से यह कार्यक्रम आज शुभारंभ हो रहा है, यह आदरणीय उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से आज यहां पे शुभारंभ हो रहा है। अगले 5 दिनों तक यहां पे G2G, G2B और अनेक प्रकार के वे कार्यक्रम होंगे जो न केवल उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल को बल्कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता के विभिन्न पक्षों को भी प्रदर्शित करने का एक उचित फोरम के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा। उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को, उत्तर प्रदेश के अलग अलग सेक्टर में कार्य करने वाले उद्यमियों को भी अपने आप को दुनिया के सामने वैश्विक मंच पर अपने प्रोडक्ट को प्रस्तुत करने का एक अवसर प्राप्त होगा। आज उत्तर प्रदेश, जैसा कि मैंने कहा आपको, कि न केवल एमएसएमई के अपने बेहतरीन बेस के लिए जाना जा रहा है बल्कि अपने बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी जाना जा रहा है। मौजूदा समय में हमारे पास 7 एक्सप्रेसवे पूरी तरह कार्य कर रहे हैं, 6 एक्सप्रेसवे पे वर्तमान में हम लोग कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में वर्तमान में 11 एयरपोर्ट हमारे कार्यरत हैं और 10 एयरपोर्ट पर हम लोग वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, जिसमें 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्तमान में क्रियाशील हैं और देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट
इसी जनपद में जेवर में बनकर के तैयार हो रहा है और इस वर्ष के अंत तक हम उसे बनाने का लक्ष्य रखते हैं। देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे भी इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए बन रहा है। इस वर्ष के अंत तक दिसंबर 2024 में प्रयागराज महाकुंभ 2025 के पूर्व इसको भी हम क्रियाशील करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयासरत हैं। आज प्रदेश में सड़क का और रेल का देश का सबसे बेहतरीन नेटवर्क हमारे पास मौजूद है। उत्तर प्रदेश की सुदृढ़ कानून व्यवस्था के साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर स्किल मैन पावर और अनस्किल मैन पावर यह देश का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश बनकर के उभरा है। 2 करोड़ युवाओं को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए भी आज उत्तर प्रदेश ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के माध्यम से हम तकनीकी रूप से उन्हें सक्षम बनाने के लिए 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण करने और उन्हें तकनीकी रूप से डिजिटली उन्हें सक्षम बनाने के समय राज्य सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ी है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह अगले 5 दिनों तक चलने वाला इंटरनेशनल ट्रेड शो अपने प्रथम संस्करण की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट को, उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल को, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विशेषता को और सामाजिक विविधता को वैश्विक मंच तक प्रस्तुत करने में सफल होगा। मुझे प्रसन्नता है कि 2500 से अधिक एग्जीबिटर्स इस पूरे कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और अब तक 350 से अधिक फॉरेन बायर्स इस पूरे कार्यक्रम में उपस्थित हो चुके हैं। इस अवसर पर पार्टनर कंट्री के रूप में वियतनाम को भी मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस पूरे समारोह में सहभागी बनकर के एक पार्टनर कंट्री के रूप में उत्तर प्रदेश को अपना योगदान दे रहे हैं। एक बार फिर से मैं आज के इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे देश के भारत गणराज्य के आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का, केंद्रीय मंत्री माननीय श्री जीतम राम मांझी जी का और सभी अन्य सम्मानित अतिथियों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि यह यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो प्रथम संस्करण के तर्ज पर एक नई ऊंचाई तक पहुंच करके उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने में सफल होगा। पूरे कार्यक्रम के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। गोल्डी मसाला।